subscribe and press the bell icon for latest update. एक और जहां गुजरात चुनाव को लेकर जमकर राजनीति की जा रही है, तो वहीं कांग्रेस में पार्टी अध्यक्ष पद पर राहुल गांधी की ताजपोशी की तैयारी जारी है, जिसे लेकर बीजेपी को तंज कसने का एक और मौका मिल गया। दरअसल दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में जब राहुल गांधी के नामांकन की प्रक्रिया को अंजाम दिया गया, उसी दौरान पार्टी दफ्तर के बाहर कांग्रेस नेता मनीष शंकर अय्यर ने राहुल की ताजपोशी पर मीडिया से मुखातिब हुए। जब उनसे शहजाद पूनावाला के आरोपों को लेकर सवाल किया गया, तो वह मुगल शासकों का उदाहरण देने लगे, जिसे पीएम मोदी ने गुजरात में चुनावी भाषण के तौर पर इस्तेमाल किया। वंशवाद के सवाल पर मनीष शंकर अय्यर ने अपने जवाब में कहा, जब जहांगीर की जगह शाहजहां आई तब कोई चुनाव हुआ? जब शाहजहां की जगह औरंगजेब आई तब कोई चुनाव हुआ? नहीं ना, क्योंकि पहले से पता था कि जो भी बादशाह है उनकी औलाद ही बनेंगे। लेकिन लोकतंत्र में चुनाव होता है और शहजाद पूनावाला को मैं आमंत्रण देता हूं कि वो आकर चुनाव लड़ें। जिसके बाद पीएम मोदी ने रैली में कहा कि कांग्रेस नेता खुद मानते हैं कि यह पार्टी नहीं कुनबा है, उन्हें यह औरंगजेब राज मुबारक हो। जिसके बाद अय्यर ने सफाई देते हुए यह भी कहा कि पीएम मोदी ने उनके बयान को ट्विस्ट दिया है। मनीष शंकर अय्यर ने कहा, वंशवाद तब होता है जब चुनाव नहीं होता, और राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने के लिए चुनाव हो रहा है और कोई भी उम्मीदवार यहां चुनाव लड़ सकता है। SPN 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।